रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जिसमें आज हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सिंह मौजूद हैं, जो डाइटिशियन हैं। जैसा कि आजकल बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बीमारियों को भी दावत दे रहा है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर ऋचा मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जैसे आजकल बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बीमारियां भी बच्चों में बढ़ रही हैं, क्या कारण है मोटापा इतनी तेजी से बढ़ रहा है? आजकल बच्चों में वाकई मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आजकल का खान पान ऐसा हो गया है, बच्चे ज्यादातर जंक फूड ही पसंद करते हैं और वही खाते हैं। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उनको अच्छे से पूरा अच्छा पोषक आहार देने का। और उसके अलावा आजकल कोरोना के बाद जो स्क्रीन में बच्चे पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये सब मिला जुला इफेक्ट है उनके मोटापे के बढ़ने का। मैम जैसे बच्चे होते हैं वो मोटे होते हैं, माँ बाप समझते हैं हेल्दी हैं, गोलू मोलू से होते हैं, माँ बाप सोचते हैं बहुत हेल्दी हैं, तो कैसे पता करें कि बच्चे मोटे हैं या फिर हेल्दी हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हमें मोटे बच्चे, गोलू मोलू अच्छे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वाकई क्या वो हेल्दी हैं या फिर वो मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं या फिर डाइटिशियन से मिलें, तो WHO और IAP, WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड IAP इज़ इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इनके चार्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि बेसिकली क्या करते हैं, बच्चे का हाइट और वेट मेजर करके BMI निकालते हैं और BMI उन चार्ट्स पे प्लॉट करके देखते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल रेंज में आ रहा है या अंडरवेट है या ओवरवेट है या ओबीस है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा बच्चा वाकई हेल्दी है या फिर वो मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। मैम अगर बच्चा मोटा है तो कैसे पता करें कि वो मोटा है और क्या क्या उसे समस्याएं हो सकती हैं? मोटे होने की वजह से बहुत समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो जब वो स्कूल जाएगा उसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, बच्चे उसको बहुत चिढ़ाते हैं, साथ के जो बच्चे होते हैं, ये मोटा है, तुम ऐसे लगते हो, तुम वैसे लगते हो, तो इस तरीके से बच्चों को ये साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है, जो कि उनके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है कि उनका एक्सपीरियंस बचपन में कैसा रहा है। उसके अलावा बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे आजकल बच्चों में डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, स्लीप एपनिया हो रहा है, रात में बच्चे सोते हैं और उनको सांस आना कम होने लगता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जो जोड़ों में समस्याएं हो रही हैं बच्चे के बहुत ज़्यादा भार होने की वजह से, तो ये सारी दिक्कतें जो हैं बच्चे फेस करते हैं मोटापे की वजह से। मैम आजकल बच्चे घर का कम और बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है मोटापे का, तो बच्चों को क्या पोषक आहार खाना चाहिए जिससे उन्हें फ़ायदा हो? पोषक आहार बेसिकली बैलेंस डाइट जो है, या हम उसे पोषक आहार भी कहते हैं, उसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारी 5 उंगलियां हैं, पोषक उंगलियां। जब ये सारी चीज़ें हमारे खाने में अवेलेबल होती हैं तब वो एक पोषक आहार या पोषक थाली बनती है। तो जब भी हम खाना खाएं या जो पेरेंट्स हैं, माताएं हैं, जब बच्चे को खाना दे रही हैं तो उसमें देखें कि उसमें प्रोटीन्स हैं या नहीं, दाल से, पनीर से, चिकन से, अंडे से, ये सारी चीज़ों से प्रोटीन्स आ रहे हैं या नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं, उसमें रोटी है, ज्वार वगैरह है, जितना भी हमारा अनाज है वो है या नहीं, फल सब्जियां है या नहीं, और थोड़ी मात्रा में फैट, जैसे घी है, रोटी में हमने घी लगा दिया या फिर अपने हमने सब्जी बनाई तो वो तेल में हम बना रहे हैं तो वहाँ से हमारा फैट आ जाता है, और फल और सब्जियां, जैसे हमारी थाली है तो उसमें आधे पोर्शन में फल और सब्जियां होनी चाहिए, आधे एक चौथाई हिस्से में हमारा प्रोटीन होना चाहिए और बाकी एक चौथाई हिस्से में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा पोषक आहार बनाती है और हर खाने में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। जिस तरह मैम बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बच्चों में मोटापा कम करने के लिए बहुत सारे, जिस तरीके से मोटापा बहुत सारे फैक्टर्स से बढ़ता है, उसी तरह से उनको कम, उसको कम करने के लिए भी हमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले
बच्चे से हम खुद से शुरू करते हैं। बच्चा जब तक खुद से रियलाइज नहीं करेगा कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे फिट रहना है, तब तक वो सारी चीज़ें नहीं करेगा। वो खेलने नहीं जाएगा, वो जंक फूड खाएगा, वो सारी चीज़ें करेगा। तो बच्चों को बचपन से ही हमें उनको ज्ञान देते रहना चाहिए, जैसे बुक्स के थ्रू है, प्लेस के थ्रू है, स्टोरीज के थ्रू है। हमें उनको बताते रहना चाहिए कि फिट रहना, अच्छा हेल्दी खाना खाना और एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो जब तक बच्चा खुद से रियलाइज़ करेगा कि मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, तो वो आगे चल के उसे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दूसरा फैक्टर है हमारा ओबीजोजेनिक एनवायरनमेंट, जो आसपास चीज़ें खुल गई हैं। जैसे हम लखनऊ में ही देखते हैं, बहुत ज़्यादा सड़कों पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, लोगों के पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, फुटपाथ पे इतने सारी शॉप्स खुली हुई हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? पार्क्स भी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं है। तो इस तरीके से हमें अपना एनवायरनमेंट, जैसे हम सोसाइटीज़ में आजकल हो गया है कि स्पेसिफिक प्ले एरिया वो लोग देते हैं कि वहाँ जाके बच्चे खेल सके, दौड़ सके, ऐसे क्लासेस में उनको एनरोल करना चाहिए, फुटबॉल खेलने भेजिए, बाकी गेम्स खेलने भेजिए, जो भी उनका इंटरेस्ट है, जिस भी गेम में उनका इंटरेस्ट है, उनको घर से बाहर निकाल के खेलने भेजिए, पार्क्स में भेजिए। पार्क्स में खूब अच्छे अच्छे, जैसे जनेश्वर पार्क में है, बहुत अच्छे झूले लगे हैं, उनको भेजिए वहाँ तक। उतना एफर्ट करिए कि आप बच्चे को वहाँ तक ले के जाए, ताकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है बढ़ सके। इसके अलावा जैसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, तो उसमें से स्क्रीन टाइम उनका, उसको प्लान करिए ताकि बच्चों को टाइम उसमें से निकाल पाए, वो अपने पढ़ाई के प्रेशर से समय निकाल के वो अपने सेहत पे भी ध्यान दे सके। पूरा पूरा दिन बच्चे स्कूल में 8-8 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद घर आके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो वो बाहर खेलने नहीं जाते, इस वजह से उनका जो है मोटापा बढ़ता है। उसके अलावा जो फैमिली का ईटिंग पैटर्न है, फैमिली किस तरीके से खाना खाती है, जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं माताएं टिफ़िन में सब्जी पूड़ी दे दिया या ऐसे तली वाली चीज़ें ज़्यादा देती हैं, तो ऐसा ना करके चीला है, उपमा है, और भी वैरायटी उनके टिफ़िन में देनी चाहिए। उसके अलावा जो है घर में खाने का, बच्चों को जैसे कोई हरी सब्जी बनी है, बच्चे को नहीं पसंद है, तो माताएं क्या करती हैं, दूसरी सब्जी बना देती है, चलो तुम्हें ये नहीं पसंद है, मैं वो बना देती हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करिए। बच्चे नहीं खा रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। खाना यही है, जो बना है वही खाना है, उसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। वो बच्चा कब तक नहीं खाएगा? एक बार नहीं खाएगा, दो बार नहीं खाएगा, तीसरी बार में जब उसको भूख लगेगी तो वो ट्राई करेगा। कोई भी नई चीज़ ट्राई करने के लिए, जैसे पालक खिलानी है या कोई हरी सब्जी खिलानी है, बच्चा नहीं खा रहा है, एक बार बच्चे ने मना किया मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी ने बोला ये तो खाता ही नहीं है, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम वो एक चीज़ जो है, एक सब्जी जो है 20 बार आप ट्राई करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि वो बच्चा खाता है या नहीं खाता है। अगर बच्चा उस सब्जी से या किसी भी खाने की चीज़ से एलर्जिक नहीं है, तो वो आराम से उसको खाएगा। उसको टाइम दीजिए, उसको धीरे से इंट्रोड्यूस कीजिए। बच्चे के जो खाना है, बच्चे की जो प्लेट है, उसको थोड़ा और ज़्यादा कलरफुल या अट्रैक्टिव बनाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसमें खाने में, ठीक है। रंग बिरंगी चीज़ें, जैसे सलाद भी है उसमें टमाटर, दो टमाटर लाल रंग के हैं, खीरा है हरे रंग का, ऐसे रंग बिरंगी चीज़ें, फेसेस बना सकते हैं आप, कटर्स आते हैं उसे फेसेस बना के छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, लेटस से ट्रीज बना दिए, कुछ ऐसी वैरायटी लाइए खाने में, थाली में, ताकि थाली जो है वो देखने में सुंदर लगे, तो बच्चा अपने आप जाके उसको खाएगा। मैम, जिस तरह बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, कौन कौन सी बीमारियों का खतरा हो सकता है? बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ने से दिल की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं आजकल, छोटे बच्चों में भी बढ़ रही हैं, शुगर की परेशानी बहुत बढ़ रही है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये इफ़ेक्ट सिर्फ अभी करेगा, बचपन में ही करेगा, जब बच्चे बड़े होते हैं, वो अडल्टहुड में जाते हैं, तो मोस्टली जो बच्चे बचपन में मोटे होते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे वो सारी बीमारियाँ अपने अडल्टहुड में भी लेके जाते हैं। वहाँ जाके, उस उम्र में जाके उनको दिल की परेशानियाँ, शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर्स भी हो सकते हैं मोटापे से। ये भी स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि बहुत ज़्यादा मोटे होने की वजह से कुछ कुछ कैंसर्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आगे जाके भी उस बच्चे को, उसके जीवन को परेशान करती रहेंगी। इसलिए बेहतर है कि हम अभी ही
बचपन में ही उस चीज का बिहेवियर उस बच्चे का ऐसा बनाए ताकि वो खुद सोचे कि नहीं मुझे हेल्दी खाना खाना है, मुझे जंक फूड बहुत ज्यादा नहीं खाना है। इस तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं। मैम, प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप हर चीज पे ध्यान देते हैं, आप अपनी जॉब पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से आप बच्चों की हेल्थ पे भी सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वही पीछे छूटी जा रही है। पुरानी कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, जो कि हम आजकल भूल गए हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों के हेल्थ पे ही दीजिए, क्योंकि एक बार अगर उनके ईटिंग पैटर्न्स और ईटिंग बिहेवियर्स बन गए, आगे जाके उनको चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बेहतर है सबसे पहले छोटे बचपन में ही उनको इस चीज पे ध्यान दीजिए और उनको जागरूक करिए कि आपको नहीं, आपको खुद से फिट रहना है और आपको खुद से हेल्दी खाना खाना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ये थी डॉक्टर ऋचा सिंह, जिन्होंने बच्चों में बढ़ रहे मोटापे को लेकर तमाम जानकारियां दी। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।